वेलकम टू एड्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कॉमर्स के 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हैं। ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़। हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज़ के सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक की बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से चांसेस हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज़ की बात करते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ को मेनली चार भागों में बांटा गया है। जो अकाउंटिंग रेशियो है उसको मेनली चार भागों में बांटा गया है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो लिक्विडिटी रेशियो है वो किसी कंपनी या किसी बिजनेस के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? ये कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने में कितना सक्षम है। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने में कितना सक्षम है। आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। तो लिक्विडिटी रेशियो में मेनली आपको दो फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना है। पहला करेंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दो नाम और भी है, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। उसी तरीके से आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो किसी कंपनी या किसी बिजनेस के लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने का क्षमता बताता है। आइए सॉल्वेंसी रेशियो में मेन क्या क्या पढ़ना है। दो इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से, पहला डेट इक्विटी रेशियो और दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आइए तीसरे रेशियो की बात करते हैं। तीसरा मेन हेडिंग है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तीसरा जो मेन हेडिंग है वो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में जो मेन तीन फॉर्मूलाज पढ़ने हैं आपको वो इस प्रकार है, पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो और तीसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और चौथा जो मेन हेडिंग है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखते हैं इसमें हम लोगों को कौन कौन से फॉर्मूलाज मेनली पढ़ने हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो। ज़्यादातर चांसेस यहीं से क्वेश्चंस आने के हैं। और जब ये सारा एक फ्रेम आपने देख लिया, अगर इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए ना, अभी थोड़ा पाउज करके इसको थोड़ा कैप्चर कर लेना चाहिए और इसको थोड़ा लिख लेना चाहिए। आपको ये कंप्लीट जो फ्रेम है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जगह कंपाइल किया हुआ है। आपको ये पिक्चर, ये जो वीडियो है भी थोड़ी देर के लिए पॉज करके इन सारे फॉर्मूलाज को लिख लेना चाहिए और टाइम टू टाइम देखना चाहिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हो और उसको टाइम टू टाइम देख करके उसको रिवाइज कर सकते हो। तो काइंडली आप इसको ऐसा कर लीजिए। आइए फिर आगे बात करते हैं हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की। जो लिक्विडिटी रेशियो जो पहला है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो हम लोग को दो मेन फार्मूला पढ़ना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का जो फार्मूला है वो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, मतलब करंट रेशियो कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियो निकलेगा। CA का मतलब यहाँ करंट एसेट्स है और CL का मतलब करंट लाइबिलिटीज। अगली बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो का क्या फार्मूला है? क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स का दूसरा नाम लिक्विड एसेट्स भी है, इसलिए उसके ओवर में हमने लिख दिया है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों सेम ही है। आइए इन दोनों फार्मूला को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि करंट एसेट्स होता क्या है। करंट एसेट्स का कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है, अगर आपके क्वेश्चंस में कुछ फिगर्स होंगे तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंंट एसेट्स को एक लाइन में बोले तो वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको बिजनेस में लंबे समय तक नहीं रखना है, वो क्या कहलाता है? करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो वो लाइबिलिटीज जिसको विद इन अ ईयर एक साल के अंदर पे करना है उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। आइए करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स। कुछ और भी हो सकते हैं जो हमने यहाँ लिख दिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं।
creditors, bills payable, bank overdraft, short term loans, outstanding expenses. ये current liabilities के कुछ examples हैं. अब उसके आगे हम लोग देखेंगे quick assets. हम लोगों ने भी डिस्कस करा है कि quick assets का जो दूसरा नाम है ना वो है liquid assets. आइए quick assets कैसे निकालते हैं. करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं. करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स. एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि ज़्यादातर चांसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक घटाने का मिलेगा क्वेश्चन, जो है नॉर्मली स्टॉक ही घटाने का मिलेगा. उस वक्त स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना है. अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक दिया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप करंट एसेट्स में से सिर्फ स्टॉक माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स. मुझे लगता है कि ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा. अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत आप लोगों के लिए, आपको चाहिए क्या ना कि आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए. एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ गया है और आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.